HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आस्था के नाम पर एक और पूरे देश में कांवड़िए शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर से गंगा जल ला रहे हैं, लेकिन गुरुग्राम का एक गांव ऐसा भी है जहां भगवान शिव को 8 वर्ष से गंगा जल का इंतजार है। यहां के भक्त अपने भगवान शिव से इतने रूठे हुए हैं कि मंदिर में दर्शन करने भी नहीं जा रहे हैं। करीब 4000 की आबादी वाला यह गांव साइबर सिटी से 28 किलोमीटर दूर बघनकी के नाम से जाना जाता है। सावन माह में आमतौर पर पहने जाने वाले भगवा रंग से भी ग्रामीण परहेज कर रहे हैं। गांव के लोगों के रूठने और भगवान शिव से दूरी के पीछे एक भयावह कहानी है। आज से करीब 8 वर्ष पहले गांव में सावन आते ही लोग शिव भक्ति में लीन हो जाते थे। जगह जगह पर पूजा अर्चना होती थी और जलाभिषेक के लिए लोग गांव से सैकड़ों किलोमीटर दूर गंगोत्री, गोमुख व हरिद्वार से गंगा जल लाने के लिए भी जाते थे, लेकिन एक घटना ने यहां के लोगों भगवान शिव से ऊपर आस्था को डिगा दिया। अब लोग भगवान को तो मानते हैं, लेकिन उनके नाम पर कोई पूजा अर्चना व जलाभिषेक इस गांव में नहीं किया जा रहा है। वर्ष 2009 में बघनकी गांव से कांवड़ लेने गए 22 युवाओं का जत्था उत्तराखंड में सड़क हादसे का शिकार हो गया था। इस हादसे में 10 परिवारों के एक साथ घर के चिराग बुझ गए थे। ग्रामीणों के मुताबिक करीब दर्जन भर विधवाओं ने मनहूसी के चलते गांव ही छोड़ दिया। ग्रामीण अपने बेटों व पोतों के जाने का दर्दनाक मंजर आज तक नहीं भुला पाए हैं। उनके सामने हादसे का जिक्र करते ही आंखों के आंसू रुकने का आज भी नाम नहीं ले रहे हैं। ग्रामीणों ने इस हादसे के बाद शिव मंदिर को बंद कर दिया और आज भी मंदिर का निर्माण आधा अधूरा पड़ा हुआ है। केवल मंदिर की नींव DPC भरकर पिलर खड़े किए हैं। 8 साल बाद अब लैंटर डाला गया है।